आप लोग ने एकदम परफेक्ट ब्लॉग सेलेक्ट करे। आपके आउटलाइन और जो आराम की टफ हुई थी वो भी मैंने ब्लॉग में डालो, हर एक चीज डालो। आप आ गई डंडे बरसाने लगी, जो भी हुआ लास्ट में सब अनएक्सपेक्टेड था। क्रेजी क्राउड, गर्मी हो रही है ना कि हम लोग कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। एंड अभी ट्यूशन भी क्लासेस भी सब स्टार्ट हो गई है, मतलब प्री स्टडी चालू हो गई है अभी, और दिन से हम लोग कहीं गए भी नहीं। लाइक गाइस हम लोग ना ट्रेन से ट्रेवल 20 दिन से नहीं करे, पहले तो हम लोग घूमते रहते थे, अभी गर्मी इतनी हो गई है जाने भी कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग जाने वाले मुमरा, वहाँ का उर्स चालू है, सो आज लास्ट डे है, देखते हैं आज हम लोग घूम भी लेंगे और वहाँ पे देख भी लेंगे जैसा जगह आप लोगों को दिखाएगी आज। एंड अभी 5 बज रहे हैं, हम लोग 5 बजे निकल रहे हैं, 1 घंटे में तो हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, तो चलते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया नहीं मुमरा में किधर उर्स है। गाइस मुमरा में उर्स है फखरुद्दीन शाह बाबा का वहाँ पे दरगाह जो है, सो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, आज लास्ट डे है। गाइस अभी ट्रेन आ चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन। सो गाइस अभी हम लोग कुर्ला स्टेशन पे उतर गए, यहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज करेंगे, मुमरा की लेंगे फिर मुमरा जाएंगे। अभी कुर्ला पे उतर गए, अभी मुमरा जाएगी डोम्बे वाली ट्रेन, इससे जाएंगे। गाइस हम लोग फाइनली मुमरा पहुंच चुके हैं। ओके, अभी यहां से हम लोग रिक्शा पकड़ेंगे एंड जाएंगे। तो आप लोग क्राउड कितना है यहां पे, स्टेशन पे बहुत क्राउड है। गाइस देखो ये है मुमरा स्टेशन, एंड मुमरा स्टेशन के एकदम सामने ही यहां पे डीजे भी लगा हुआ है। कौन सा है, डॉन नंबर 1? डॉन नंबर 1 है गाइस। गाइस देखो ये है डॉन नंबर 1, एंड यहां पे क्राउड देखो। अभी तो आगे जाएंगे तो और भी देखने मिलेगी, एंड आप लोगों को मैं सब दिखाते रहता हूं क्या-क्या है, क्या-क्या लगा हुआ है यहां पे। गाइस अभी मैंने आप लोगों को जो क्लिप दिखाया तो आप लोगों ने देखिए, जहाँ पे डीजे और पुलिस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुलिस सिक्योरिटी के लिए भी रहती है और ज्यादा तेज ना बजाए इस वजह से भी रहती है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दरगाह गली, एंड ये गेट है, अभी अंदर जाएंगे देखेंगे कैसा रहता है। एंड गाइस डीजे बजाने तो दे रहे नहीं, अभी बोले कि मगरिब के बाद बजाएंगे, सो देखते जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। गाइस इधर देखो चिकन शोरमा ओनली 10 रुपए का, देखते कैसा रहता है, बहुत छोटा है बाकी। गाइस देखो 10 रुपए का शोरमा, वो ज्यादा बड़ा है। व्हाट? एंड गाइस अभी तो यहाँ पे देखो बाजार लगा हुआ है, एंड अभी शोरमा खाते हैं हम लोग, एंड फिर और आगे का देखते हैं। आप ही रहे इसलिए इन्होंने ठंडा भी ले लिया, इसलिए खा रहे बिकॉज अभी जब घूमेंगे ना तो भी कुछ खाने पीने का याद नहीं रहेगा, अरे इस वजह से थोड़ी पेट पूजा ताकि एनर्जी रहे। सो गाइस फाइनली एंटर हो गए, जो धूम रहेगी ना अभी अंदर ढोल की आवाज भी आ रही है हम लोगों, एंड देखो बैनर भी लगे हुए डीजी पावर के, एंड सामने आरंभ। भाई का मुमरा में तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। और हर जगह पुलिस है, और यहाँ पे डीजे के साथ साथ पुलिस चल रही है। अभी यहाँ से डीजे देखो घुमा लेंगे, आगे गाड़ी चल रही है और पीछे डीजे चल रहा है। एंड गाइस ये देखो केसी पावर का डीजे है, केसी पावर मतलब किस्मत कॉलोनी, ऊपर लिखा हुआ भी केसी SRS नंबर 1, लेकिन ये भी बज रहा नहीं है। A few moments later. ए डीजे बजा, ए बजा ना। दीवाने
क्रेजी क्राउड भाई लोग से गुजारिश है कि भाई लोग जरा समझ में आ जाए और नॉर्मल कवाली बजाई जाए। डीजे पावर वन साइड अल्लाह हु अकबर। मुकरदी इंशा बाबा के संदल में आए हुए सभी का अरे रुक जा भाई, बंद हो गया है, बहुत बजा लिया, थोड़ा इस्तेकबाल कर रहे थे। सभी भाइयों का तहे दिल से इस्तेकबाल किए जाते हैं, भाइयों नारों का जवाब। जगह तो शानी के लिए बहुत गर्दी हो गई है। कॉपी करना छोड़ दो, अपना नया कुछ करो, समझे ना। आपके मुंबरा को मालूम है ये क्या है, ये एसके है या आउटलाइन है, क्या क्या पहला बोलना सीख, फिर बात करेंगे। मेरे जितने फॉलोअर्स है ना उतने तेरा पूरा खानदान चले जाएगा, समझे क्या। ये डीजे आपके तेरे जैसे शिवरे चलते फिरते डॉक्टर भाई, समझ गया। आज तेरे बाप को जाके बोल डीजे अभी मिला था, समझा। अरे झूला झूल मगर बाप को मत भूल, समझा ना। पापा बोलते चलिए ना भाई, चलिए ना। तो तहजीब से इस्तेमाल किया जाता है, एक कवाली पहले तुम लगाओ भाई, उसके बाद एक कवाली मैं लगाता भाई। ये पापा भाई जगह
भाई अभी तुम्हारी बारी है, कवाली कड़क में हो जान दो। हमारे जानी से भी आप सभी का तेजी से इस्तकबाल किया जाता है। चलो पब्लिक अभी नारे का जवाब नारे से दो। बोलो नारे तकबीर अल्लाह। आए हुए सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। चलो अभी सब मिलकर हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर। सारी दुनिया पीछे और ख्वाजा वाले आगे। क्या रे भीख मंगिया, क्या रे भीख मंगिया, क्या रे भीख मंगिया, क्या रे भीख मंगिया, क्या रे क्या रे क्या रे क्या रे भीख मंगिया। अभी बज रहे रात के 11:30। रुकते थे तो फिर ट्रेन नहीं मिलती थी हम लोग को। लास्ट ट्रेन का टाइम है 1 बजे का, लाइक 1:30 बजे ट्रेन बंद हो जाती है। सो हम लोग सोचे कि अभी 11:30 बज रहा है, निकल जाते हैं। 12:30-1 बजे तक ही पहुंचेगी हम लोग वैसे तो। सो अभी ट्रेन के लिए रुके ये सब स्टेशन पे दोस्त लोग हैं। सो गाइज ये व्लॉग की एंडिंग में करता हूँ स्टेशन पे। गाइज हम लोग का जो भी हुआ ना लास्ट में सब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में गए थे ना, आप लोगों का स्टार्टिंग का व्लॉग बहुत बोरिंग लगेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ था नहीं हम लोग का। स्टार्टिंग में हम लोग वही नॉर्मली खा रहे पी रहे थे, जो भी कर रहे थे। एंड जो लास्ट में मजा आया ना गाइस, आप लोग ने एकदम परफेक्ट व्लॉग सेलेक्ट करे।
छोटी सी छोटी क्लिप बताया हूँ मैंने, टफ देखा हूँ मैंने, एस के आउटलैंड और जो आराम की टफ हुई थी वो भी मैंने ब्लॉग में डाला हूँ, हर एक चीज़ डाला हूँ सही ब्लॉग को चूज किए देखने के लिए आप लोगों को, इसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने दिखाया हूँ पूरा यहाँ का जो भी उड़ता एंड बहुत मजा है हम लोगों को। लास्ट में जो मजा है ना गाइस, लास्ट में जो जो हुआ ना वो सब आ गई, डंडे बरसाने लगी जो भी हुआ गाइस, बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया है, आई होप अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जल्दी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।